सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ़ जीएनसीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट हैज़ टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम क्यूब से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बस उनको समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए कि एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ईजीली कर पाएंगे उसको सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी रिया बॉट अ मैच बॉक्स पैकेट फ्राम द शॉप कीपर रिया ने एक माचिस का पैकेट शॉप कीपर से खरीदा शी मेजर्ड दिस पैकेट फ्राम द स्केल एंड सेट टू प्रिया उसने स्केल से उसको मेजरमेंट किया नापा और प्रिया को कहा दीदी लोक दी, देखो द शेप ऑफ मैच बॉक्स पैकेट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूब ये जो मैच बॉक्स का पैकेट है ना ये बिल्कुल किस शेप का है देखिए ये है क्यूबिकल शेप का क्यूब शेप का है ये its length width and height ऑल आर 8 सेंटीमीटर that is its वॉल्यूम विल बी 8 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व क्यूबिक सेंटीमीटर्स ये आपको मैंने लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था कि क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो क्योंकि उसकी सारी साइड्स तो इक्वल हैं तो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और ऐसे अगर क्यूबॉइड हो तो उसमें हाइट लेंथ और विथ्थ होती है उन तीनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए इंटरेस्टिंग थिंग द टोटल नंबर ऑफ द मैच बॉक्सेस इनसाइड दिस पैकेट इज आल्सो एट यानी इसके अंदर जितनी माचिसें थी कितनी थी वो आठ माचिसें ही थी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ ब्रिट और हाइट वो भी एट सेंटीमीटर और उसके अंदर जो मैच uh, बॉक्स थे वो भी उसके अंदर एट ही थे रिया सेट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेजर द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स मैं भी रिया ने कहा कि मैं भी अब ये जानना चाहती हूँ कि आ, एक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई कितनी होगी लेंथ विर्थ एंड हाइथ कितनी होगी है ना तो प्रिया आस्ट रिया प्रिया आस्ट रिया हाउ मच इज़ द लेंथ विर्थ एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स तो उसने कहा अब चलो तुम बताओ ये कि कैसे होगा मैंने तो यह बता दिया कि पैकेट के जो लेंथ एंड हाइट है वो एट सेंटीमीटर और इसके अंदर एट मैच बॉक्स है अब आपको बताना है कि हर मैच बॉक्स की लेंथ और हाइट कितनी है देन रिया दीदी द ऑफ अ मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट्स लेंथ हाइट द दर्थ ऑफ मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स इज फोर टाइम्स ऑफ इट्स हाइट दैट इज इट इज़ टाइस ऑफ द विथ नाओ यू नो योर सेल्फ हाउ मच इज़ द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स देन प्रिया टोल्ड रिया द करेक्ट आंसर फिर प्रिया ने रिया को सही आंसर बताया कि देट द मैच बॉक्स हाइट टू सेंटीमीटर अब ध्यान से सुनना कि जो हाइट है वो टू सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ जो थी उसकी टू टाइम्स है डबल है तो विथ की सॉरी हाइट टू सेंटीमीटर तो विथ कितनी हो गई फोर सेंटीमीटर क्योंकि विथ्थ ट्वाइस थी और लेंथ फोर टाइम्स थी तो वो एट सेंटीमीटर हो गई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ शी गॉट द आंसर और फिर उसने बताया कि आखिर मुझे आंसर मिला कैसे तो अब आपको सीखना है कि करना कैसे है इसको हमें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स पैकेट इज़ एट बाई एट बाई एट ठीक है और नंबर ऑफ मैचिस मैच बॉक्स वो भी हमें पता है एट तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना है याद रखिएगा जो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ मैच बॉक्स से तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एट से एट कट हो जाएगा तो रह गया सिर्फ एट इंटू एट वो हो गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स ठीक है अब आप इसको आगे चाहे आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं आगे मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में सिखाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है ठीक है तो जब हमने 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो वो हमें मिला टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज़ टू रेज टू द पावर सिक्स और अभी उसने बोला कि जितनी हाइट है तो मैच बॉक्स की हाइट पता ही नहीं क्योंकि इसने बोला जितनी हाइट है तो लेट द हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू एच देन दर्थ कितनी हो जाएगी मैच बॉक्स की उसने बोला वो डबल है तो विथ्थ हो जाएगी टू एच और लेंथ फोर टाइम्स है तो लेंथ हो जाएगी फोर एच तो अब हम फार्मूले में ही इसको रख के देख लेते हैं तो अभी अभी हमने बोला कि वॉल्यूम निकालना है हमें एक मैच बॉक्स का तो वॉल्यूम की जगह ये रख देंगे और सामने से उधर से जो ऊपर से वॉल्यूम हमारे पास एक मैच बॉक्स का आया है वो ये वाला आया है तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू फोर एच एट हो जाएगा और एच मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई एच एच की पावर थ्री हो जाएगी यानी एट एच क्यूब बन जाएगा और सामने तो जो ऊपर से हमारे पास आया है वो हमने लिख दिया तो फिर एच क्यूब की वैल्यू क्या आएगी इसको सामने ले जाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा तो ऊपर तो हमने यही रखा है सिक्स टाइम्स टू और नीचे एट अब आपने इसको डिवाइड करना है अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू कितना होता है एट होता है तो एट से एट कट हो गया बाकी रह गया ये टू की पावर थ्री तो एच क्यूब इज इक्वल टू टू क्यूब तो जब एच क्यूब इज इक्वल टू टू क्यूब तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो अगर हाइट टू सेंटीमीटर हो गई तो अभी हमने बोला था विथ्थ कितनी है डबल है तो कितनी हो गई टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है फोर टाइम्स तो फोर बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टू इजिक्वल टू एट सेंटीमीटर तो ये अब आ गई हमारे पास हाइट ब्रेथ या विथ्थ दोनों एक ही बात होती है या ब्रेथ बोल दो या विथ बोलो और लेंथ ये आ गई इस तरीके से हम इसके आंसर्स को निकालेंगे नाव विल डू

क्या करते हैं देखिए एक बार तो ये तो अभी अभी ऊपर से हमने सीखा ही है कि वॉल्यूम ऑफ एक मैच बॉक्स पैकेट का वॉल्यूम कितना था एट बाई एट बाई एट नंबर ऑफ मैच बॉक्स कितनी थी एट तो वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया तो दोनों को जब डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया था सिक्सटी फोर नो एज्यूम द हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स इज इक्वल टू एक्स क्योंकि दे तो रखा ही नहीं तो लेंथ भी हम एक्स मान लेते हैं और बेट भी हम यह वर्थ भी हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो क्यूबिकल है बिकॉज ईच मैच बॉक्स इज क्यूब तो वॉल्यूम उसका कितना आ जाएगा एक्स बाय एक्स बाय एक्स दैट इज एक्स क्यूब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अब वही दोबारा फार्मूला लगाओ कि अब हमें मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम की जगह तो हम ये रख देंगे और ऊपर से जो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम जो अभी ऊपर से आया हमारे पास वो था सिक्सटी फोर तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे इसका सामने क्यूब रूट कर देंगे क्योंकि ये थ्री जब सामने जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा सिक्सटी फोर का तो सिक्सटी फोर का क्यूब रूट हमने लास्ट वर्कशीट में निकालना सीखा था इसको हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं तो इसका सिक्सटी फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर क्योंकि फोर फोर हज़ार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हजार सिक्सटी फोर ठीक है तो अब हमने ये भी बताया है क्यूब रूट अगर उसमें थ्राइस हो कोई एक ग्रुप में थ्राइस हो तो उसमें से एक ही बाहर निकल के आता है तो हैंस एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर तो अगर लेंथ फोर है तो ब्रेथ भी फोर होगी और हाइट भी फोर होगी क्योंकि हमें बोला गया है कि ईच मैच बॉक्स इज क्यूबिकल शेप इसलिए तीनों की हाइट लेंथ और ब्रेथ सेम होगी फिर बोला है कि इफ़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर एट टाइम्स ऑफ इट्स हाइट दैन वॉट वुड वी द लेंथ विर्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स तो देखिए अब उसने बोला कि लेंथ और विर्थ वो हाइट की एट टाइम्स हों तब क्या होगी लेंथ विर्थ और हाइट तो देखिए हम ये मान लेते हैं क्योंकि हाइट दे तो रखी ही नहीं है तो लेट द हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज एच तो जब हाइट एच हो गई तो लेंथ और विर्थ उसने बोला एट टाइम्स हैं तो लेंथ हो गई एट एच और विर्थ हो गई एट एच यानी एट मल्टीप्लाई बाय एच आठ गुनी हो गई ना तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एच मल्टीप्लाई बाय एट एच मल्टीप्लाई बाय एट एच तो आंसर आएगा सिक्सटी फोर एच क्यूब तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब जो नए वाला जो अभी जिसको हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम और जो पहले से ही वॉल्यूम हमारे पास आया हुआ है मैच बॉक्स का जो था वो ये तो एच क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सामने 64 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 64 डिवाइड बाय 64 आंसर आएगा तो एच क्यूब इज इक्वल टू वन तो एच की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ वन तो क्यूब रूट ऑफ वन भी वन ही होता है तो इसका मतलब एच यानी एच हमारे पास वन सेंटीमीटर आ गया तो लेंथ कितनी होगी वो एट एच है यानी एट मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज़ एट सेंटीमीटर वेट कितनी है एट एच मतलब एट मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू एट सेंटीमीटर और हाइट तो वन सेंटीमीटर मिल ही गई थी नाउ थर्ड क्वेश्चन इन द पैकेट ऑफ एट सेंटीमीटर बाई एट सेंटीमीटर बाई एट सेंटीमीटर हाउ मैनी मैच बॉक्स विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय टू सेंटीमीटर यानी आप ध्यान से समझिए एक पैकेट जिसका वॉल्यूम ये है माचिस का पैकेट उसके अंदर इस वॉल्यूम की कितनी मैच बॉक्स आ सकती हैं तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालने के लिए ये फार्मूला क्या होता है दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो जब दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू रखेंगे पहले तो तो देखिए इस तरह से हमने वैल्यू रखी और जब हम उसको काटेंगे दो चौक कितना हो गया टू फोर ज़ार एट टू फोर ज़ार एट टू फोर ज़ार एट तो बचा हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर देट इज़ सिक्सटी फोर तो ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है तो सिक्सटी फोर मैच बॉक्स इस वाले वॉल्यूम के उस पैकेट में आएंगे नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन इन द पैकेट ऑफ दिस यानी वॉल्यूम ये दे रखा है हमें एट बाई एट बाई एट हाउ मैनी मैच बॉक्स विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ये अगर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम इतना है तो इस पैकेट में कितने आएंगे एंड इज दिस नंबर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ़ द पैकेट और नॉट यानी जितनी माचिस आएंगी क्या वो उस पैकेट के वॉल्यूम के इक्वल होगी या नहीं तो फिर एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है वैल्यूज़ रखी तो कितना आया देखिए वन बाई एट तो वन एट जार एट वही एट एट ही आएगा तो ये हो जाएगा एट बाई एट कितना हो गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई बाई एट फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो इतने वॉल्यूम के 512 मैच बॉक्स आएंगे और यस दिस नंबर इज आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट नाउ द लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन एग्जांपल इन द पैकेट ऑफ 8 बाय 8 बाय 8 सेंटीमीटर विच ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैच बॉक्स डाइमेंशन कैन बी इन द पैकेट ऑफ दिस तो और ये भी पूछा कि वाई आर ऑल द अबव पॉसिबिलिटीज नॉट पॉसिबल वाई द वॉल्यूम ऑफ ऑल 64 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तो देखिए वो कह रहा है कि इस इस वॉल्यूम के कितने कितने पैकेट उस एट बाई एट बाई एट वाले पैकेट में आएंगे यानी ये मैच बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है और ये पैकेट की डायमेंशन वॉल्यूम उसका दे रखा है तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है यानी कौन से पॉसिबल कौन सी आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी तो इसको हम एक बार करके देख तो देखिए हमारे पास एट बाई एट बाई एट सेंटीमीटर का एक मैच बॉक्स है जैसे मैंने ये फिगर बना ली है यहाँ पर 8 इसकी लेंथ है और एट ही इसकी विथ है और एट ही इसकी हाइट है ठीक है अब उसने पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि इस वॉल्यूम की कितनी मैच बॉक्स आएंगी तो वही दोनों को डिवाइड करना है जैसे अभी अभी हम ऊपर हमने समझा है तो एट मैच बॉक्स आ जाएंगी फिर दूसरा वो बोलता है कि इस वॉल्यूम की वन सेंटीमीटर बाय टू सेंटीमीटर बाय थर्टी टू सेंटीमीटर यानी अगर हम ये माने कि ये इसकी हाइट है तो हमारे पास जो मैच बॉक्स है पैकेट है उसकी हाइट तो एट सेंटीमीटर है और मैच बॉक्स की हाइट ये पैकेट की हाइट एट सेंटीमीटर और एक मैच बॉक्स की हाइट अगर थर्टी टू सेंटीमीटर है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हमें करके भी नहीं देखना फिर अगले वाले का वॉल्यूम दे रखा है वन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी सिक्सटीन सेंटीमीटर यानी ये अगर एल है और ये अगर बी है ब्रेथ है और ये हाइट है तो देखिए एक मैच बॉक्स की हाइट 16 सेंटीमीटर जबकि पैकेट की हाइट है 8 सेंटीमीटर तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती फिर इसके बाद डी है कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर तो इसको हम रख के देख सकते हैं तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर आया एट यानी एट मैच बॉक्स इस वाले वॉल्यूम के उस पैकेट में आ सकते हैं आ सकते हैं ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये उसका वॉल्यूम दे रखा है एल ये है बी ये है और एच ये है तो इसको वैल्यू उसको पुट किया तो देखिए टू फोर जार एट फोर टू जार एट और एट वन जार एट तो आंसर आया एट यानी एट मैच बॉक्स आ सकते हैं इस वॉल्यूम की और लास्ट वाला है कि वन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय वन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी फोर सेंटीमीटर फिर वही सिक्सटी फोर सेंटीमीटर यानी अगर एक माचिस की हाइट अगर सिक्सटी फोर सेंटीमीटर और पैकेट की हाइट एट सेंटीमीटर है तो ये क्या पॉसिबल है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज वी अ मास्क क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच